वेलकम बैक गाइज, दिस इज नीरज एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल द रोवर। सो हम सब लोग गांव से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मेरा बचपन भी गांव में बीता था। एंड इस व्लॉग में, जो आज का व्लॉग होने वाला है, इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो बचपन की कुछ मेरी धुंधली सी यादें, और आई होप मैं उन यादों के थ्रू आप लोगों को आपके गाँव से जोड़ पाऊँ। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। याद करता हूँ उस बचपन को, तो वो भी क्या दिन थे। अब हमारे पास वक्त नहीं है। एक दौर वो भी था जब वक्त ही वक्त था। वो नानी का प्यार से बुलाना और नाना जी का चुपके से टॉफी दे जाना, याद है मुझे। कैसे भूलूं वो गांव का बचपन, जब जाया करते थे हम उस छोटी सी गागर में धारा से पानी लाने, और वो ताजी ताजी फर्श पे लिपी हुई मिट्टी की खुशबू, वो कंटर को ढोल की तरह बजाना और पागलों की तरह खुश हो जाना। हाँ, मुझे याद है। वो घर से नहा धोकर निकलना और जब शाम को घर वापस आना तो घर वालों का हमें ना पहचान पाना, फिर दादा दादी का हमें डांट से बचाना। हाँ, मुझे याद है। कैसे भूलूं जब दोस्तों के साथ प्लानिंग करके गांव की सबसे खड़ूस दादी के खेत से हम ककड़ी तोड़ ले आते थे और फिर सब मिलकर उस ककड़ी को खाते थे। वो क्रिकेट खेलते समय एक पुंगड़े से दूसरे पुंगड़े में छलांग मारकर जुराब की गेंद को रोकना, याद है मुझे। रात होते ही दादी की कहानियां और थपकियों के उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ मुझे सुलाना, कैसे भूल सकता हूं मैं वो बचपन। अब कभी सोचता हूं उन पलों को तो बचपन की याद बड़ी सताती है। हे मेरे प्यारे गांव, तेरी याद बड़ी आती है। तो ये थे मेरे बचपन के कुछ हसीन, प्यारे और नटखट से किस्से। और अब बात करते हैं मुद्दे की। तो गाइज, एज यू ऑल नो, हमारे इंडिया में इस समय 28 राज्य हैं, जिसमें से उत्तराखंड भी एक राज्य है। और उत्तराखंड इस समय पलायन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। जो मुझे इसका मेन रीज़न लगता है वो है लाइफ डेवलपमेंट या लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट। तो दिस इज़ नॉट द ओनली वे, इसके अलावा भी आप अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अगर हम डेवलपमेंट के नाम पे अपने रूट्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे तो ये भी हमारे लिए एक डीप कंसर्न होगा, और हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो बस किताबों की शोभा बढ़ाएगी, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है इस चीज़ को कभी लाइव एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी। तो गाइस, अपनी तरफ से आपसे जो हो पाता है उसका इनिशिएटिव लें और उसको करें लाइक आई डिड, और अपने बच्चों को अपनी सभ्यता से जोड़ें, उसके बारे में बताएं। आप सडनली एक दिन बताएंगे कि ये सब चीज़ें हमारी सभ्यता में है तो बच्चों को थोड़ा अजीब लगेगा। तो स्लोली स्लोली उनको बताइए और अपनी जो मातृभूमि है वहाँ ले जाएं। कि अपने बच्चों को, उनके गांव को दिखाएं उन्हें कि उनका गांव कैसा है, और अपनी बोली और भाषा को बिंदास होकर बोलिए। मैंने देखा है अपने आजू बाजू कि लोग अपनी बोली और भाषा को बोलने में कतराते हैं, कहीं ना कहीं शर्माते हैं। तो गाइस, अगर हो सके तो बोलिए। ये फीलिंग मुझे तब आई जब मैं अपने गांव गया और मैंने देखा वहाँ पे कि जो गांव वाली फीलिंग है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो जब मुझे लगा कि इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है शायद, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो वीडियो भी आपके लिए इस व्लॉग के बाद आने वाला है। तो अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सफाई बना के रखिए।